मोर्चा व बहुजन क्रांती मोर्चा या राष्ट्रव्यापी संघटनांद्वारे आज बेजनबाग मैदान नागपूर येथे 11 वाजता कार्यक्रम करून RSS च्या मुख्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता. पण पोलिसांनी ज्या मैदानातून ही रॅली निघणार होती त्या बेजनबाग परिसर आणि इंदोरा परिसरामध्ये 144 कलम लागू केलाय. भारत मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम यांनी लोकांना शांती मार्गाने चालण्याचे आवाहन केले आहे. भारत मुक्ती मोर्चाची आज होणारी सभा आणि रॅलीची परवानगी पोलिसांनी आणि उच्च न्यायालयाने नाकारली असता आज भारत मुक्ती मोर्चा व बहुजन क्रांती मोर्चा या राष्ट्रव्यापी संघटना या दोन्ही निर्णयांना न मान्य करता नागपूर महाल स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुख्यालयावर ती रॅली काढणार होते. परंतु पोलिसांनी बेजनबाग परिसर आणि इंदोरा परिसरामध्ये 144 कलम लागू केलाय. विविध कारणांसाठी काढण्यात आलेल्या या रॅलीमध्ये मोठ्या संख्येने देशभरातून कार्यकर्ते पोहोचले होते. भारत मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम यांच्या नेतृत्वाखाली सदर रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. वामन मेश्राम यांनी झालेल्या संपूर्ण प्रकारानंतर सर्व लोकांना शांती मार्गाने चालण्याचे आवाहन केले आहे. लाखो की संख्या में लोग यहां आए हैं तो नागपूर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ चुकी है, जिसके लिए जो हमारे संगठन की सार्वजनिक भूमिका है कानून और संविधान के दायरे में रहकर सभी लोगों को काम करना चाहिए और किसी भी स्थिति में हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए. मैं बिल्कुल भी हिंसा के पक्ष में नहीं हूं और समर्थन में नहीं हूं और हमारे लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से जो हमने 4 चरणों का कार्यक्रम घोषित किया है 14 अक्टूबर से, उसके लिए मैं ये अपील कर रहा हूं कि ये जो कार्यक्रम था सभा लेने का या मोर्चा लेकर जाने का, वो कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने तक स्थगित कर दिया गया है. हर हालत में हर स्थिति में हिंसा किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए. लाखों की संख्या में सारे देशभर से जो लोग आए हैं वो अपने अपने साधनों से आए हैं, अपने अपने साधनों के तरफ जाने के लिए प्रशासन उनको साथ सहयोग करे और हमारे लोग प्रशासन को साथ सहयोग करे और शांति बनाए रखने में मदद करे. विकी न्यूज साठी कैमरा पर्सन रोशन बोकडे सह ऐश्वर्या शिंदे यांची रिपोर्ट. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश. पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि.